क्लास में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स क्लास में क्लास 7 एक्सरसाइज 2.1 जो आपका भिन्न वाला है, उसमें हम लोग पिछला क्लास में समान असमान, आज एक छोटा सा भिन्नों की तुलना हम लोग किस तरह से करेंगे यदि वो फ्रैक्शन में है, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तुल्य भिन्न लिखकर हरों को समान करते हैं। ये जो आपका भिन्न है इसी का तुल्य में हम लोग एक लिखते हैं और इसका हर को हम लोग क्या करते हैं समान करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो फिर 2/3 ही आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं हर को समान करते हैं। हर को समान करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 और 12 का। एलसीएम लिए तो मेरा कितना आया 12, ठीक है। तो यानी 2/3 का नीचे यानी हर को हम लोग क्या करना है समान करना है, यानी समान यानी एलसीएम आपका जितना आएगा उतना ही इसको करना है। तो पहले इसका कितना था यहाँ पर 3 था, 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तब जाके ये कितना आएगा 12। जब नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 4 × 8 हो गया और ये 4 × 12, नीचे एलसीएम कितना है 12, यहाँ हर मेरा कितना आ गया 12। फिर उसी तरह से इसके बाद वाला कितना है 7/12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आपका दिया ही हुआ है, 12 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तभी यहाँ पर 12 आएगा। जब नीचे 1 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी 1 से मल्टीप्लाई किए, 7 × 1 × 7, 12 × 1 इक्वल टू कितना आ गया 12। इस तरह से जब हम लोग हर को समान करने के बाद इसमें हम लोग एक चीज देखते हैं कि ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें हम लोग तुलना करेंगे। ये हर आपका समान हो गया, ठीक है। अंश वाला को हम लोग देखेंगे, अंश देखेंगे कि फर्स्ट वाला में कितना है 8 और सेकंड वाला में कितना है 7, ये दोनों में कौन बड़ा है 8/12। तो 8/ यानी कि 8 बड़ा है तो 8/12 ही अपना बड़ा होगा, ठीक है। और 7/12 क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 8/12 किसका है 3/4 का। तो हम लोग इसे क्या हम लिखेंगे कि यार इसको 2/3 बड़ा है 7/12 से। इस तरह से आप यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन में आप तुलना करके बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप ये तीनों क्वेश्चन तो बनाइए और देखिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इस तरह से आप घर में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं, बड़ा छोटा को तुलना कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आज हमको उम्मीद है कि आज इस वीडियो में आज भिन्नों की तुलना के बारे में आप लोग समझ गए हैं। फिर हम लोग आगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे भिन्न के लिए। तो धन्यवाद बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए।